दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन संडे का और संडे अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट निकला हूँ क्योंकि गाड़ी में एक काम था, मतलब क्लच वायर मेरी बहुत टाइट हो गई थी तो सडनली, नहीं तो मैं पिछले हफ्ते ही चेंज करवा देता। तो अभी लग रहा है कि मतलब क्लच ब्रेक कभी भी आपका कुछ दिक्कत कर दे उससे पहले ही उसको चेंज करा लेना चाहिए। तो अभी बस मैं यहाँ से घर से निकला हूँ, अब मैं जा रहा हूँ द्वारका मोड़ की साइड, वहाँ से पहले MGP स्टोर जाऊँगा मारुति के जेन्युइन पार्ट्स की दुकान पे, फिर वहाँ से क्लच वायर लेना है। क्लच वायर लेने के बाद फिर मैकेनिक के पास जाऊँगा, मैकेनिक से चेंज करवाते हैं। तो चलते हैं आगे। दोस्तों मारुति जेन्युइन पार्ट्स की दुकान से मैंने सामान ले लिया है और मैं अभी बस मैकेनिक के पास पहुंच रहा हूं। मैकेनिक के पास पहुंच के फिर मैं ठीक कराऊंगा आपका। पीछे लगे आगे है वो साइड पे। क्लच वायर इसका टाइट हो गया यार, क्लच वायर। दोस्तों ये रहा क्लच वायर, ये मैंने अभी मारुति के जेन्युइन पार्ट्स की दुकान से खरीदा है और इसकी MRP है, आप देख सकते हो 320 रुपये है। मुझे 280 रुपये का पड़ा है, 7% कुछ डिस्काउंट, मतलब 280 समथिंग का ये मिला है मेरे को। तो ये एकदम जेन्युइन होता है मारुति की, मतलब जेन्युइन पार्ट्स की दुकान से हम सामान लेते हैं तो सारा सामान ही इनका जेन्युइन होता है। और बाहर से मैं मैकेनिक है यहाँ पर ओल्ड पालम रोड पे, तो यहाँ पर ओल्ड पालम रोड पे ही दीपक नाम का भाई है, मैं जस्ट घर के पास ही रहता है तो मैं सारा काम उसी से करवा देता हूँ। मतलब ट्रस्टेबल बंदा है और जो भी चीज़ें होती है वही बताता है, मतलब ज़्यादा कोई फालतू तो नहीं होता। जैसे और बंदे मैकेनिक बोलते हैं ना कि भाई ये चीज़ है वो चीज़ है, तो अभी मैं ये काम कराता हूँ। और मेरा एक हेडलाइट का बल्ब भी फ्यूज़ हो गया था गाड़ी का, तो वो भी मेरे को ध्यान आया, वो भी मैं खरीदा था। ये आप देख सकते हो मेरा
ये मेरे को मतलब 94 रुपये MRP है, 87 रुपये का ये हेडलाइट का बल्ब मिला है। आप देख सकते हैं बल्ब तो अभी भाई लगा हुआ है क्लच वायर चेंज करने में, तो चेंज कर रहा है अभी। दोस्तों अभी मैंने काम करा लिया गाड़ी का, गाड़ी का क्लच वायर में दिक्कत थी, मतलब टाइट हो गया था, तो वो मैंने डलवा लिया। और बाकी अभी एक मतलब हेडलाइट का बल्ब भी फ्यूज था, मतलब तो बल्ब भी मैंने मतलब वो डलवा लिया। उसका एक पॉइंट राइट साइड का खराब हो गया था, जो पास वाला जो देखने का होता है, तो उसमें सिर्फ वो दूर वाला काम कर रहा था, एक पॉइंट उसका खराब हो गया था, वो भी मैंने ले लिया था। तो ये दो काम मेरे ध्यान थे। अभी गाड़ी में एक काम और कराना है, अभी इसका गियर ऑयल चेंज कराना है। तो गियर ऑयल मेरे पास एक्चुअली पड़ा हुआ है, मेरे को ध्यान आया, घर पर रखा हुआ है। पिछली बार जब मैंने डलवाया था तो उसमें आधा एक लीटर शायद बच गया था मेरे पास, तो वो लेकर फिर मैं अगली बार आऊँगा तब उसे चेंज कराऊँगा। अभी इतना ज़रूरी मतलब है नहीं, तो गाड़ी में जो भी लगता है ज़रूरी चीज़ें होती है करा लेता हूँ। उससे क्या है कि हमें फ़ायदा हो जाता है कि कभी रास्ते में कोई दिक्कत आती नहीं है। तो अगर आप अपनी गाड़ी की टाइम टू टाइम मतलब सर्विस कराएं और जो चीज़ आपको लग रही है ख़राब होने वाली है या कुछ है तो उसको तुरंत चेंज करा लीजिए। और मारुति की जेन्युइन पार्ट्स की दुकान है, वहाँ से आप सामान लीजिए, वो वहाँ से आपको सामान सारा सही मिलता है, जिसमें मतलब जेन्युइन रहता है। और अपना लोकल कोई मैकेनिक है तो उसको पकड़ लीजिए, उससे मतलब इजी हो जाता है सब कुछ। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का ऑप्शन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग में, टिल देन बाय।